भारत की जीत के शोर में दब गया फाइटर डैरिल मिशेल का शतक, रोहित के घर में गेंदबाजों को किया परेशान। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में धमाकेदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने विश्व कप 2023 के फाइनल में जगह बना ली है। उसने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम के लिए यह जीत आसान नहीं रही। न्यूजीलैंड ने कड़ी टक्कर दी, उसके लिए डैरिल मिशेल ने शतक लगाया। भारत की जीत के शोर में फाइटर की तरह लड़े मिशेल के शतक की गूंज दब गई। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 398 रनों का लक्ष्य रखा। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम के लिए डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र ओपनिंग करने आए, लेकिन ये दोनों अच्छी शुरुआत नहीं दे सके। इसके बाद केन विलियमसन और मिशेल ने पारी को संभाला। मिशेल ने 119 गेंदों का सामना करते हुए 134 रन बनाए। उन्होंने 9 चौके और 7 छक्के लगाए। मिशेल अंत तक लड़े, उन्होंने विलियमसन के साथ मजबूत साझेदारी भी निभाई, लेकिन उनकी इस पारी की चर्चा ज्यादा नहीं हो सकी। भारत ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी अच्छी शुरुआत की। मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनर्स को जल्द ही चलता कर दिया था। कॉनवे और रविंद्र 13-13 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद मिशेल और विलियमसन ने भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया। इन दोनों ने 149 गेंदों में 181 रनों की साझेदारी निभाई। यह मुकाबला रोहित शर्मा के गढ़ वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था। यह रोहित का होम ग्राउंड है। मिशेल ने इसी मैदान पर गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए, लेकिन अंत में शमी ने उन्हें आउट कर दिया। बता दें कि दूसरा सेमीफाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से भिड़ेगी। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।